हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट पे, और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो यहां पे हमारी जो क्लास है दोस्तों, यह है उत्तराखंड ज्योग्राफी की क्लास, क्लास एक है दोस्तों। नई शुरुआत हम कर रहे हैं, जीरो से शुरुआत करेंगे। और हाँ दोस्तों, जीरो से शुरुआत करके हम शिखर तक हम पहुंचने वाले हैं। डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पुलिस के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, बंदी रक्षक, लेखपाल, पटवारी, सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अलकनंदा नदी तंत्र हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। पांच छह नदी तंत्र हम उत्तराखंड के आपको यहाँ पे डिस्कस कराने वाले हैं। पश्चिमी रामगंगा नदी तंत्र, नया नदी तंत्र, सभी को हम आपको डिस्कस करवाएंगे। तो देखिए दोस्तों, क्लास एक है, यहाँ पे अलकनंदा नदी तंत्र को हम डिस्कस कर रहे हैं, और एमसीक्यूज के माध्यम से भी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज रखे हैं, और इन एमसीक्यूज को दोस्तों आपको वीडियो के लास्ट में देना है, और डिटेल के साथ जब हम आपके सामने क्लास रख देंगे वो लास्ट में दोस्तों इन क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना, और लास्ट में यह भी बताना कि आपके 10 में से 10 बिल्कुल सही हो गए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। तो देखिए दोस्तों, यहां पे बात करते हैं हम अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में। तो सबसे पहला है कि अलकनंदा नदी का उद्गम कहां से होता है। तो यहां पे बात करते हैं अलकनंदा नदी के उद्गम के बाद, तो देखिए सतोपंत से होता है, भागीरथी खरक से होता है, और सतोपंत जो लेक है, जो सतोपंत झील है, वहां से होता है। तो इन सभी स्थानों से दोस्तों जो अलकनंदा नदी है उसका उद्गम होता है, यानी सतोपंत लेक से, भागीरथी खरक से, सतोपंत पर्वत से। तो इन सभी से अलकनंदा नदी का पानी आता है, और यह फिर धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ती है। तो यहां से तो अलकनंदा नदी का उद्गम हो गया है। और एक चीज दोस्तों आप यहाँ पे देखना, पूछा जाता है कि जो सतोपंत जो लेक है इसका आकार कैसा है। तो देखिए इसका आकार जो आपको दिखने वाला है, यह त्रिकोण दिखने वाला है। कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने इन तीनों कोने पर रहकर तपस्या की थी। तो यहां तक ये हो चुका है। अब जब दोस्तों ये नदी आगे बढ़ती है, तो यहीं पर सबसे पहले आपको यहां पर एक वसुंधरा जलप्रपात मिलता है। तो पूछा जाता है कि वसुंधरा जलप्रपात किस जनपद में है। चमोली जनपद पर है। किस नदी के किनारे आपको मिलेगा, ये अलकनंदा नदी के किनारे आपको मिलने वाला है। तो यहां पर तो ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक पर्वत है, कामेट पर्वत, और कामेट पर्वत की जो हाइट है वो 7756 मीटर है। और इसी कामेट पर्वत पर एक स्थान है दोस्तों जिसका नाम है देवताल, और इसी देवताल नामक स्थान से दोस्तों एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम सरस्वती नदी है। और इस सरस्वती नदी की बात करें दोस्तों, तो एक केशव प्रयाग में यानी माणा के पास यहां पर अलकनंदा नदी से अपना संगम बनाती है। और इस सरस्वती नदी पर ही हमें एक प्रसिद्ध पुल दिखाई देता है, एक शिला दिखाई देती है जिसका नाम क्या है, भीम पुल या फिर भीम शिला। तो देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ा पुल है, भीम द्वारा रखा गया था मान्यता है, और इसी को हम भीम पुल के नाम से जानते हैं। अब यहीं पर इसी के आसपास कुछ प्रसिद्ध स्थान है। देखिए जो प्रसिद्ध स्थान है दोस्तों वह है जैसे वेदव्यास गुफा हो गया, इसके अलावा बात करें मुचुकुंद गुफा हो गया। और अभी यूकेएसएससी ने आपको पूछा था जो सचिवालय रक्षक का पेपर हुआ था कि मुचुकुंद गुफा कहां पर स्थित है, तो वह आपको मिलेगी बद्रीनाथ के निकट, और बद्रीनाथ के निकट चमोली में आपको यह मिलने वाली है। अब यहां पे देखिए जो सतोपंत लेक है इसके दक्षिण में आपको क्या दिखेगा, एक पर्वत दिखाई देगा, और इस पर्वत का नाम है नीलकंठ पर्वत। देखिए नीलकंठ पर्वत आपको सतोपंत लेक के दक्षिण में मिलेगा, और इस नीलकंठ पर्वत से दोस्तों एक नदी निकलती है जिसका नाम है ऋषि गंगा। देखिए ऋषि गंगा बहुत सारी है, और यह जो ऋषि गंगा है यह नीलकंठ पर्वत से निकलती है। तो यहां तक ये हो गया। और यहीं पर दोस्तों आपको मिलेगा प्रसिद्ध जो धाम है, बद्रीनाथ धाम, जिसे विशालपुरी, शाश्वत धाम, योग सिद्धा या फिर मुक्ति प्रदा के नाम से भी जानते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब यहां पे देखिए इसी के नीचे आपको एक और सहायक नदी मिलेगी, खिराओ गंगा। तो डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि खिराओ जो गंगा है वो किसकी सहायक नदी है, तो यह मिलेगी आपको अलकनंदा नदी की सहायक। और फिर थोड़ा नीचे और आने पर दोस्तों, यहां पर अगर आप जाओगे पूर्व दिशा की ओर, तो यहां पर आपको मिलेगा हेमकुंड, और यहां से एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है दोस्तों भ्यूंडारगाड़। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, यहीं पर एक और नदी भी निकलती है जिसका नाम है पुष्पावती नदी, फूलों की घाटी से होकर बहती है। और यह जो दोनों नदी है यह अपना संगम बनाती है घनघरिया के नामक स्थान पर। तो देखिए भ्यूंडारगाड़ जो हेमकुंड है वहां के ऊपर से आकर बहती है, पुष्पावती थोड़ा नीचे से होकर आती है, और यहां पर जो घनघरिया नामक स्थान पर है वहां पर यह दोनों अपना संगम बना देती है। और संगम बनाने के बाद दोस्तों इसे लक्ष्मण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, जहां पर यह संगम बनाती है उसके बाद से इसे लक्ष्मण गंगा के नाम से जाना जाता है, और यह बाद में गोविंद घाट नामक स्थान पर जो अलकनंदा नदी है उससे अपना संगम बना देती है। तो यहां तक तो यह हो गया।
फिर यहाँ पे कुछ और भी स्थान मिलते हैं, जैसे पांडुकेश्वर प्रसिद्ध स्थान मिलता है जो प्रागैतिहासिक स्थल है ना। और फिर यहीं कुनकुन श्रेणी की बात करें यहाँ पर पूरब की ओर, तो यहाँ से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है दोस्तों, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, इस नदी का नाम है धौली गंगा। और धौली गंगा की आपको एक सहायक नदी मिलेगी जिसका नाम है गिरथी नदी। देखिए यह जो गिरथी नदी है यह कहाँ से बह रही है, देखिए दोस्तों यह जो नदी है यह नदी बह रही है कुमाऊं क्षेत्र से गढ़वाल क्षेत्र की ओर बह रही है, तो काफी प्रसिद्ध है यह नदी, तो गिरथी नदी यहां पर हो गया। और यहीं पर दोस्तों आप देखोगे कि यह विष्णु प्रयाग में अपना संगम बनाती है। तो देखिए ऊपर से पहला प्रयाग हो गया विष्णु प्रयाग, और विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी और जो धौली गंगा नदी है उसका संगम होता है। तो यहां तक तो ये हो गया है। अब जरा यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहीं पर थोड़ा और नीचे आने पर जो ये धौली गंगा है इसकी एक सहायक मिलेगी, ऋषि गंगा मिलेगी, जो अभी हाल ही में काफी चर्चा में भी रही थी, जहां पर 7 फरवरी जो 2021 से भयंकर बाढ़ आई थी, तो इसी ऋषि गंगा पर आई थी, ऊपर वाली ऋषि गंगा पर नहीं, नीचे वाली ऋषि गंगा पर आई थी, जो धौली गंगा की सहायक है। तो यहां तक तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं परियोजना से। तो देखिए परियोजना की बात करते हैं तो विष्णुगढ़ जो पीपल कोटी जो परियोजना है वो आपको अलकनंदा नदी पर मिलेगी, और 440 मेगावाट इसकी क्षमता है, 440 मेगावाट। और फिर यहीं पर थोड़ा नीचे आने पर, यानी बात कर रहे हैं हम धौली गंगा पर, तो मलारी जेलम लाता, क्या क्या, मलारी जेलम लाता। तो देखिए तीन परियोजना आपको मिल गई है धौली गंगा पर, शुरुआत में मलारी जेलम लाता, तो यह तीनों परियोजना मिल गई है धौली गंगा पर। और फिर थोड़ा और नीचे आने पर आपको मिलेगा तपोवन विष्णुगढ़, यह भी आपको धौली गंगा पर मिलेगा, तो यह परियोजना आपको मिलेगी। और यहां पर दोस्तों यह काफी इंपॉर्टेंट है, ऋषि गंगा की बात करें तो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट था जो काफी प्रभावित हो गया था, है ना। तो यहां तक तो यह था। अब देखिए दोस्तों यहां पर जब यह नदी थोड़ा नीचे आती है तो कल्पगंगा नामक नदी निकलती है, और कल्पगंगा नदी पर एक प्रसिद्ध जो परियोजना है जिसका नाम क्या है दोस्तों, यह है उर्गम परियोजना। और इसके कुछ और भी सहायक है ऊपर से, जैसे गरुड़ गंगा हो गया, है ना, इसके अलावा बात करें पाताल गंगा हो गया, और फिर नीचे थोड़ा और आने पर आपको मिलेगा बिरह गंगा। तो यह इसकी कुछ सहायक नदियां हैं अलकनंदा नदी की, गरुड़ गंगा, कल्प गंगा, पाताल गंगा और बृह गंगा। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि गरुड़ गंगा किसकी सहायक है, अलकनंदा की है, बृह गंगा किसकी सहायक है, अलकनंदा की है। और बृह गंगा की बात करें दोस्तों तो बृह गंगा में एक भयंकर क्या आई थी, बाढ़ आई थी। तो देखिए सबसे पहले तो 1894 के आसपास आई थी, 94-95 में, है ना, लेकिन 1970 में भी आई थी जो भयंकर आई थी, जिसमें भारी जो जान माल है उसका नुकसान हुआ था। तो यहां तक तो ये हो गया है। अब यहां पे देखिए दोस्तों यहां पे आपको मिलेगा तुंग नामक स्थान, और तुंगनाथ नामक स्थान से एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम है बालखिल्या नदी। और बालखिल्या नदी की बात करें तो किसकी सहायक हो गई, यह सहायक होगी अलकनंदा की, तो बालखिल्या की एक और सहायक हो गई। फिर यहां पे देखिए यह आपको दिखेगा नंदा घुंगटी पर्वत, और नंदा घुंगटी पर्वत से दोस्तों एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। और नंदाकिनी नदी की बात करें तो यह नंद प्रयाग में अपना संगम बनाती है। तो देखिए सबसे पहले आपने देखा था विष्णु प्रयाग पंच प्रयाग में ऊपर से पहला स्थान, और दूसरा जो स्थान है वह है नंद प्रयाग का नंदाकिनी पर, है ना, नंदाकिनी नदी पर। अब यहां पे देखिए यहां पर आपको थोड़ा नीचे आने पर पिंडारी ग्लेशियर मिलेगा, और पिंडारी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम क्या है, पिंडारी नदी है, और यह कर्ण प्रयाग नामक स्थान पर अपना संगम बनाती है। तो देखिए दोस्तों तीन प्रयाग हो गए ऊपर से, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, जो पंच प्रयाग में गिने जाते हैं। सबसे ऊपर तो हमने देखा था केशव प्रयाग था, लेकिन वो किसमें नहीं गिना जाता, पंच प्रयाग में नहीं आता है। तो तीन प्रयाग हो गए। और एक प्रश्न दोस्तों जो यूकेएससी ने आपको अभी पूछा था वही यह था कफनी गाड़, देखिए इसे कुफनी भी लिखा है कहीं पर, तो कफनी गाड़ या फिर कुफनी गाड़ किसकी सहायक नदी है, यह पिंडारी नदी की सहायक नदी है। तो पिंडारी की सहायक कौन हो गई, कफनी गाड़ हो गई या फिर कुफनी गाड़ हो गई। और फिर यहीं पर कुछ और देखोगे, यहां पर आपको मिलेगा दुधातोली स्थान, और दुधातोली स्थान से बात करें तो एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं आटागाड़, और यह किसकी सहायक नदी है, पिंडारी की सहायक नदी है। और यह प्रश्न दोस्तों आपको किसने पूछा था, यह प्रश्न आपको बीडीओ के एग्जाम में पूछा था जो 2021 में हुआ था, तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए जहां से इंपोर्टेंट प्रश्न बनेंगे, देखिए ये आगे नंदाकिनी नदी, और नंदाकिनी नदी पर दोस्तों आपको दो परियोजना दिखेगी, एक है वनाला परियोजना और दूसरी जो परियोजना है वो है राजवक्ति परियोजना। तो वनाला परियोजना, राजवक्ति परियोजना, वनाला परियोजना, राजवक्ति परियोजना, यह आपको कहां पर मिलेगी, नंदाकिनी नदी पर मिलेगी। किस जनपद में मिलेगी, चमोली जनपद में मिलेगी। तो नंदाकिनी में दो प्रसिद्ध परियोजना है, राजवक्ति और वनाला, राजवक्ति और वनाला। और यहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं पिंडारी की, तो पिंडारी नदी पर भी बहुत सारी परियोजना है। देखिए पडुली डैम पिंडारी नदी पर है,
यहीं पर आपको दिखेगा मेलघाट डैम, और यहीं पर दोस्तों नीचे आने पर आपको दिखेगा बगोली डैम। तो तीन डैम आपको मिलेंगे पिंडारी नदी पर, बगोली, पडुली, मैलखेत। बगोली, पडुली, मैलखेत किस नदी पर है? पिंडारी नदी पर है। किस जनपद में है? चमोली जनपद में है। और यहां पर दोस्तों कुछ और भी आपको दिखेगा, जैसे यहां पर यह है बंगरी और देवसारी। तो देखिए पिंडारी नदी कितनी इंपॉर्टेंट है, पांच प्रमुख डैम आपको यहां पर मिलकर हैं, बगोली, पडुली, मैलखेत, बंगरी, देवसारी। तो यह सभी परियोजनाएं आपको इस नदी पर मिलती है। अब यहां पे देखिए दोस्तों, जैसे ये उर्गम वाला आपने देख लिया था, जो कल्पगंगा नदी है वहां पर आपको मिलेगा उर्गम परियोजना, जो 3 किलोवाट की छोटी परियोजना है। और यह जो है दोस्तों हेलांग घाटी पर है। सिंपल प्रश्न पूछेगा कि हेलांग घाटी किस जनपद में है? चमोली जनपद में है। उर्गम परियोजना या उर्गम घाटी किस जनपद में है? यह आपको मिलेगी चमोली में। तो ऐसे प्रश्न भी बनते हैं। तो यहां तक तो ये हो गया कर्णप्रयाग। अब जरा थोड़ा और नीचे आते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे अलकनंदा नदी नीचे आती है और इधर से भागीरथी नदी आती है, और पांचवा प्रयाग जो देव प्रयाग है वहां पर अपना संगम बना देती है, और उसके बाद से गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो यह फैक्ट है। अब जरा यहां पे देखें, चोराबाड़ी स्थान है ना, और चोराबाड़ी ताल से, चोराबाड़ी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी नदी। और यह मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अपना संगम बनाती है। तो मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अपना संगम बनाती है। अब यहां से प्रश्न देखिए दोस्तों, जो काफी इंपोर्टेंट है। चोराबाड़ी ताल के ही नीचे आपको मिलेगा केदारनाथ, यानी केदारनाथ किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी नदी के तट पर है। और यहीं पर देखोगे दोस्तों आप, यहां पे दिखेगा वासुकी ताल, और वासुकी ताल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोनगंगा, जो सोन प्रयाग नामक स्थान पर अपना संगम बनाती है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर एक और संगम हो गया है ना, सोन प्रयाग है ना। फिर आप देखिए यहां पर मधमहेश्वर दिखेगा, और मधमहेश्वर की बात करें तो मधमहेश्वर से भी, यानी इस यहां से होकर एक नदी बहती है, और इस नदी का नाम है मधुगंगा। और मधुगंगा की बात करें दोस्तों, तो ये काली मठ, देखिए काली मठ में किन दो नदियों का संगम होता है? तो मधुगंगा और मंदाकिनी का संगम होता है। सोन प्रयाग में किसका संगम होता है? सोन गंगा और मंदाकिनी का संगम होता है। तो संगम से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, लगभग 10-15 यहां पे संगम आपने इसी लेक्चर में देख लिए होंगे, तो इन्हें आप जरूर याद करना और पूछे जाते हैं। फिर यहां पे देखिए रावण गंगा भी निकलती है, और रावण गंगा की बात करें दोस्तों, तो ये बांसवाड़ा नामक स्थान पर अपना संगम बनाती है मंदाकिनी से। तो रावण गंगा किसकी सहायक है? मंदाकिनी की सहायक है। तो इन फैक्ट को आपने देखा है। और अब यहां पे देखिए कि यहीं पर आपको दिखेगा उत्यासु डैम, जो पौड़ी गढ़वाल में आपको मिलेगी, इसकी लोकेशन है ना खिरसू से थोड़ा पीछे मिलेगी आपको, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल के बीच में मिलेगी है ना, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में इसकी लोकेशन है। 1000 मेगावाट की क्षमता है। और फिर यहीं पर दोस्तों श्रीनगर आपको परियोजना मिलेगी, जो श्रीनगर जल विद्युत परियोजना है, जो 330 मेगावाट की क्षमता की है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, यह तो हो गया अलकनंदा नदी तंत्र, और यहां से अब जो प्रश्न बनते हैं वो हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के अपने प्रश्न से, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, आप सब इसका सरल आंसर देंगे। तो पहला आंसर है, और पहला क्वेश्चन है, तो आंसर दीजिए जरा कि श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की जो कुल क्षमता है वो कितनी है? 350 मेगावाट, 370 मेगावाट, 330 मेगावाट, या फिर 380 मेगावाट। तो अभी हमने डिस्कस किया था, याद होगा, कितना देखा था? 330 मेगावाट देखा था। कितना देखा था? 330 मेगावाट देखा था। तो श्रीनगर जल विद्युत परियोजना जो अलकनंदा नदी पर है 330 मेगावाट की है। तो यहां पर ये हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसका आंसर दीजिए जरा कि पूछा है कि निम्न में से कौन सी नदी अलकनंदा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बताइए जरा, गरुड़ गंगा, पाताल गंगा, टाकोरा गाड़, या फिर कल्प गंगा। तो बताइए दोस्तों यहां पे कौन सी नदी नहीं है? तो देखिए कल्प गंगा भी हमने देखा था ना, जहां पे उर्गम घाटी वाली थी है ना, उर्गम परियोजना। पाताल गंगा भी बोला था, गरुड़ गंगा भी बोला था, बिरह गंगा भी बोला था, लेकिन हमने काकोरा गाड़ नहीं बोला था। तो काकोरा गाड़ जो दोस्तों सहायक नदी है वो आपको मिलेगी भागीरथी की, और काकोरा गाड़ जो परियोजना है, यह भी एक परियोजना है, यह आपको मिलेगा उत्तरकाशी में। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, मधुगंगा किसकी सहायक नदी है? तो यह भी हमने डिस्कस किया था ना मधुगंगा, तो मधुगंगा किसकी सहायक थी? मंदाकिनी की सहायक नदी थी। और आपको यह भी बताना दोस्तों, जो मधुगंगा है, मधुगंगा का मंदाकिनी से जो संगम होता है कहां पर होता है? तो जरा बताइए कहां पे संगम होता है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी डिस्कस किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहां पे 4 है, और इसका आंसर दीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि कफनी गार्ड किसकी सहायक है? और यह प्रश्न भी यूकेएसएससी ने आपको पूछा था, हमने डिटेल से बताया था आपको है ना। तो अलकनंदा की है, पिंडर नदी की है, आटा गार्ड की है, या फिर नंदाकिनी की है। तो बताए दोस्तों कफनी गार्ड किसकी सहायक नदी है? तो इसका क्या होगा सही आंसर? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको पिंडर नदी,
पिंडर की यह सहायक नदी है। तो क्वेश्चन नंबर चार ये हो चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर पांच। देखिए ध्यान रखना दोस्तों, इन प्रश्नों को स्पेशल ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। भुंडारगढ़ और पुष्पावती नदी का संगम किस स्थान पर होता है और यह आपको बताना है। तो यह भी हमने डिस्कस कराया था, जरा बताइए कि रेणी गांव में, लाता गांव में, घनघरिया में या फिर उर्गम में। तो बताइए जरा कहां पे होता है संगम। तो बताइए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इसका जो संगम होता है वो घनघरिया नामक स्थान पर होता है, आपने ध्यान दिया होगा, और यहीं से लक्ष्मण गंगा के नाम से भी उसे जाना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में ऋषि गंगा में भयंकर बाढ़ आई थी, तो यह किस तिथि को आई थी। तो बताइए जरा कब आई थी। तो बताइए दोस्तों यह कब आई थी। तो ऋषि गंगा जिसमें प्रोजेक्ट था वो काफी तबाह हो गया था, और इसका जो सही आंसर है दोस्तों बताइए जरा, 7 मार्च 2021, 7 फरवरी 2021, 7 मार्च 2020 या फिर 7 फरवरी 2020। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा बताइए जरा। तो हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा 7 फरवरी 2021 को। तो 7 फरवरी 2021 को इसमें क्या आई थी, बाढ़ आई थी। तो यहां तक हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी परियोजना धौली गंगा नदी पर नहीं है। तो बताइए दोस्तों धौली गंगा नदी पर कौन सी परियोजना नहीं है। तो परियोजना भी हमने डिस्कस की थी, मलारी हो गया, झेलम हो गया, बगोली हो गया या फिर लाता परियोजना। तो धौली गंगा पर कौन सी नहीं है, तो बताइए जरा धौली गंगा पर कौन सी नहीं है। तो बताइए, तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो आपको जो मिलने वाला है वो मिलेगा आपको बगोली परियोजना, और यह किस नदी पर है यह आप भी बताना कमेंट बॉक्स में। तो यहां तक ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, राजवक्ति और वनाला परियोजना किस नदी पर है। अब है राजवक्ति, तो यह भी हमने डिस्कस करवाया था। आई होप आपको सारे प्रश्न आ रहे होंगे, आपने क्लास देखी है, आपको सारे प्रश्न आ रहे होंगे। अलकनंदा, पिंडर, आटागढ़, नंदाकिनी। तो जी हाँ, आप सभी इसका सही आंसर देंगे, नंदाकिनी बिल्कुल इसका सही है। और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे कि गोना झील के टूटने के कारण बिरही गंगा में बाढ़ कब आई थी। जुलाई 1970, अक्टूबर 1970, अगस्त 1970 या फिर मार्च 1970। तो बताइए जरा कब आई थी। तो इसका सही आंसर दीजिए। देखिए 1970 आप सभी जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो बाढ़ आई थी ये 20 जुलाई 1970 को आई थी, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1894 में सबसे पहले यहाँ पे हुआ था, फिर झील बन गई थी दोबारा से, और वही झील बाद में टूट गई थी 20 जुलाई 1970 को। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सी परियोजना पिंडारी नदी पर नहीं है। तो बताइए पिंडारी नदी पर कौन सी परियोजना नहीं है। तो देखिए, एक तो हमने आपको बगोली डैम बताया था जो अभी थोड़ी देर के लिए डिस्कस किया था, वह भी पिंडारी नदी पर था। अब बताइए इनमें से कौन सी नहीं है। तो पडोली, देवसारी, मैलखे, तो ये खिराओ। तो खिराओ है ये, खिराओ नहीं है, खिराओ है, बताइए कौन सा नहीं है। तो देखिए ये मिलेगी आपको खिराओ परियोजना, और यही इसमें नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यह था नदी तंत्र अलकनंदा नदी का। जितने भी प्रश्न अलकनंदा नदी से बन सकते थे हमने कोशिश की है कि वो सभी हम यहाँ पे डिस्कस करवा दें। तो यहां तक दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही है, मिलते हैं आपको कल की वीडियो में। तो तब तक दोस्तों जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पर नए हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो धन्यवाद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।